बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी अपने सब्जेक्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को। आज के लेक्चर में हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे। बेसिक कंटेंट्स जो हम इसमें कवर करते हुए नज़र आते हैं वो रिलेट करते हैं टाइटल के साथ, दैट इज डिफाइनिंग परफॉर्मेंस एंड चूजिंग अ मेजरमेंट अप्रोच। यानी दो एस्पेक्ट्स आपको नज़र आते हैं इस चैप्टर के हवाले से कि सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि परफॉर्मेंस है क्या, और फिर इसके साथ साथ फिर हम बात करेंगे कि मेजरमेंट अप्रोचेस किस किस्म की होती हैं। सो इस चैप्टर में जो बुनियादी हमारी कंसंट्रेशन है वो होगी कि डिफाइनिंग परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस क्या होती है, देन उस परफॉर्मेंस के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, मीन्स व्हाट शोज परफॉर्मेंस। यानी अगर हम इसको डिराइव करना चाहें तो क्या चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि परफॉर्मेंस एज एन आउटकम आप अचीव कर रहे हैं। देन परफॉर्मेंस के डिफरेंट डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करेंगे, और इन द एंड अप्रोचेस टू मेजरिंग परफॉर्मेंस उसके ऊपर बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बाय डिफाइनिंग परफॉर्मेंस। व्हाट इज परफॉर्मेंस? बेसिकली हमारे पास दो वर्ड्स आ जाते हैं जिसको हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। पहला है, हम इसको कहते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, और अगर हम इसको एज एन ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच देखें तो हम इसको जिक्र करते हैं किसके साथ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बुनियादी तौर पे आपको दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल नज़र आता है। यानी पहली चीज़ कि एम्प्लॉय क्या करता है, दैट इज़ व्हाट एन एम्प्लॉय डज, और दूसरी चीज़ आपको नज़र आती है दैट इज द रिजल्ट्स के परफॉर्मेंस के हवाले से, आपके रिजल्ट्स के हैं। व्हाट जो रिलेट करता है वो किसके साथ है, दैट इज बिहेवियर। और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में जो रिजल्ट्स हैं वो किसके साथ रिलेट करते हैं, दीज आर रिलेटेड विद द आउटकम ऑफ एन एम्प्लॉयज बिहेवियर। यानी जिस तरह से हमारा बिहेवियर होगा वैसे ही हमारी आउटकम होगी। इसकी एग्जांपल अगर हम क्रिएट करना चाहें तो अगर मैं रेगुलर सेल्स कॉल कंडक्ट करता हूँ, उसके प्री एनालिसिस पोस्ट एनालिसिस करके काम कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज माई बिहेवियर, तो इसकी आउटकम क्या होगी? डेफिनेटली अगर बिहेवियर ठीक है तो उसकी आउटकम भी आपको क्या नजर आ रही है, दैट इज मोर रिलेटेड टूवर्ड्स अ पॉजिटिव आउटकम, कि हमारी सेल्स अच्छी होगी। तो ये तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से एक आपको डेफिनेशन आ गई जिसमें दोनों चीज़ें ऐड होती हैं। इट इंक्लूड्स बिहेवियर्स एज वेल एज इट इंक्लूड्स रिजल्ट। अब अगर हम आए और डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस की बात करें, तो डेफिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस इज रिलेटेड विद बिहेवियर, दैट इज व्हाट एम्प्लॉय एक्चुअली डू। सो बुनियादी तौर पे परफॉर्मेंस जो है, इट डज नॉट इंक्लूड द रिजल्ट्स ऑफ एन एम्प्लॉयज बिहेवियर बट ओनली द बिहेवियर्स देमसेल्व्स। सो क्या नजर आया कि हमें रिजल्ट्स परफॉर्मेंस में इंक्लूड नहीं होते, बल्कि हम किसको इंक्लूड करते हैं परफॉर्मेंस में, कि एक एम्प्लॉय क्या कर रहा है, व्हाट एन एम्प्लॉय डू। सो परफॉर्मेंस इज बेसिकली अबाउट बिहेवियर, कि एम्प्लॉय क्या करता है, नॉट अबाउट व्हाट एम्प्लॉय इज प्रोड्यूसिंग और व्हाट एम्प्लॉय इज ब्रिंगिंग एज एन आउटकम ऑफ हिज बिहेवियर। सो परफॉर्मेंस इज रिलेटेड विद बिहेवियर। तो ये चीज़ तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्लियर कर ली। इसी को अगर आगे लेकर चलते हैं तो परफॉर्मेंस is not results or outcome, that is what is employee is producing। ये हमने इसी स्लाइड के ऊपर जो अपनी थोड़ी सी डिस्कशन की है उसमें इस चीज़ को हमने ऐड कर लिया। सो अगर हम बिहेवियर्स को देखें, यानी अगर हमने परफॉर्मेंस को अंडरस्टैंड करना है किसी एम्प्लॉय की, तो हम उसके बिहेवियर्स को अगर अंडरस्टैंड कर लें, सो अगर हम इन बिहेवियर्स की बात करें तो उनके दो करेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं। यहाँ पे हम हेडिंग भी दे देते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर। ये दो करेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आ रहे हैं। पहली बात आपको नजर आती है कि बिहेवियर्स हमारे क्या होते हैं, दे आर इवैल्यूएटिव। दूसरी चीज आती है, दैट इज मल्टी डायमेंशन। पहले बात कर लेते हैं किसके ऊपर, इवैल्यूएटिव। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं आपके पेपर को इवैल्यूएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई माइट बी जजिंग कि आपका पेपर अच्छा है, बहुत अच्छा है, बुरा है, या बहुत बुरा है, या एवरेज है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम आपके पेपर को जज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बिहेवियर्स की बात करें तो हमारे पास बिहेवियर का एक करेक्टरिस्टिक यही नजर आता है कि बिहेवियर्स को इवैल्यूएट किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहेवियर्स जिनको हम जज नहीं कर सकते,
वो हमारे लिए मेजर करना भी मुश्किल हो गया। सो ये जो जजमेंट्स हैं हमारी वो क्या हो सकती हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मेरा बिहेवियर टूवर्ड्स क्लास कर लेते हैं, दैट माइट बी नेगेटिव, दैट माइट बी न्यूट्रल और दैट माइट बी पॉजिटिव। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिहेवियर जो हैं वो अगर इफेक्टिव हैं, नेगेटिव हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल की गोल अचीवमेंट में ये नेगेटिवली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर ये बिहेवियर पॉजिटिव हैं तो फिर ज़्यादा पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जो आपको नजर आती है वो किससे असरअंदाज हो रही है, वो बिहेवियर्स की वजह से अच्छी और बहुत अच्छी या बुरी भी हो सकती है। अब इससे आगे चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द गोल्स है या ऑर्गेनाइजेशन की किसी यूनिट की किसी विंग की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वो आपके बिहेवियर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सेकंड एस्पेक्ट को अभी देख लेते हैं कि बिहेवियर्स आर मल्टी डायमेंशनल। फॉर इंस्टेंस पहली चीज हम देखते हैं कि मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब इसका मल्टी डायमेंशनल से क्या मुराद हुआ कि हमारे पास बिहेवियर्स कई किस्म के हो सकते हैं। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ वन थिंग दैट इज टर्म्ड एज टीचिंग। तो टीचिंग्स में कई बिहेवियर्स चले, ए कर लेते हैं, बी और सी। इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि बी तरीका कार ही अच्छा है और ए और सी अच्छा नहीं है। ए भी अच्छा हो सकता है, बी भी अच्छा हो सकता है और सी भी अच्छा हो सकता है। सो तीन बंदे तीन डिफरेंट बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हुए भी इफेक्टिव हो सकते हैं। सो दिस मीन्स दैट देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिहेवियर्स दैट हैव द कैपेसिटी टू एडवांस और हिंडर द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। सो दे कैन बी यूटिलाइज्ड कि हम उसकी बिना के ऊपर परफॉर्मेंस को अचीव करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल लें तो डिफरेंट सेट्स ऑफ बिहेवियर्स आपको नजर आते हैं जिनको हम इकट्ठा करते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर एक मैं कहता हूँ दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इफेक्टिवनेस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू इफेक्टिवनेस। सो कॉन्ट्रीब्यूशन टू इफेक्टिवनेस माइट बी कंसिडर्ड एज अ सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप बिहेवियर्स जो कि आपको नजर आते हैं। और अगर हम इसको हम क्या करना चाहें, डिफाइन करना चाहें, तो इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक इंडिविजुअल जो दूसरों के साथ मिलकर काम कर सकता है, काम करता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लोगों के साथ कोऑपरेटिव है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोगों के साथ कोऑपरेटिव है, इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से डेवलप भी करता है और यूटिलाइज भी करता है। ठीक है, लोगों के साथ मिल के चल रहा है, कंसेंसस डेवलप करता है, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर रहा है। अब ये जो मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताए ये इंडिकेटर बन गए किसके, एक बिहेवियर के, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू इफेक्टिवनेस। सो इफ एन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व इन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स तो हम ये कह सकते हैं कि उसका बिहेवियर जो है वो बेहतर है टूवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब बेसिकली इसको हम अगर मेजरमेंट की तरफ लेकर जाना चाहें तो हम एक स्केल पे मेजर करते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट सेक्शन में जाके उसको कंसिडर करेंगे डेफिनेटली। सो अगर बिहेवियर्स को की डेफिनेशन और उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको हम अगर कंक्लूड करना चाहें तो एट टाइम्स हमारे लिए मुमकिन नहीं होता कि हम हर बिहेवियर को क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें। और दूसरी चीज कि हर बिहेवियर मेजरेबल नहीं होता। ऑब्जर्वेबल से क्या मुराद है, फॉर इंस्टेंस इफ यू आर सिटिंग इन अ क्लास एंड द टीचर इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू टीचिंग, और अगर वो आपको देख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो टीचर आपको ऑब्जर्व कर रहा है। फॉर इंस्टेंस इफ टेक एग्जांपल ऑफ एन ऑनलाइन क्लास, तो मैं अगर आपको क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ लेकिन आई एम नॉट वॉचिंग यू पीपल, सो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ बिहेवियर्स जो हैं वो आपके ऑब्जर्वेबल हो सकते हैं और कुछ नहीं ऑब्जर्वेबल होते। सो उसके लिए हम किसी भी चीज़ के इंडिकेटर्स को यूज किए कर सकते हैं। उसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि दोज बिहेवियर्स विच आर नॉट ऑब्जर्वेबल, उन बिहेवियर्स को हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली इन्फर कर रहे होते हैं। बेस्ड अपॉन द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम उसकी कोई जजमेंट क्रिएट करते हैं। क्यों, क्योंकि फॉर इंस्टेंस मैं आपको नहीं देख रहा कि आप क्या पढ़ाई में इन्वॉल्व हो या नहीं हो,
सो इसका मतलब हुआ आपका ये बिहेवियर कि आप क्लास अटेंटिवली ले रहे हो या नहीं ऑब्जर्वेबल नहीं है, लेकिन मैं पेपर से या क्विज से या असाइनमेंट से आपकी ऑब्जर्व कर लेता हूँ, यानी क्या किया मैंने उस असाइनमेंट या क्विज से इन्फर किया, यानी उसकी रिजल्ट्स की बेस के ऊपर कि क्या आप अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स में इन्वॉल्व थे या नहीं, क्योंकि आपके क्विज में अच्छी परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द गुड बिहेवियर्स। सो इस तरह से हम किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं और जो बिहेवियर ऑब्जर्वेबल नहीं है उनकी जजमेंट भी हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। सो ऑल बिहेवियर्स आर नॉट मेजरेबल एज वेल, सो ये दोनों चीजें हमें एक एग्जाम्पल की तरफ ड्राइव करती हैं। फॉर जस्ट एक एग्जाम्पल, अगर हम एक सेल्स पर्सन को ले लेते हैं, एक सेल्स पर्सन सेल्स में इन्वॉल्व है, अब उसकी सेल्स किस तरह से होती है, वो डायरेक्टली विजिट करता है अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में बताता है। अब अगर मैं एज अ सुपरवाइजर वहां पर मौजूद हूँ तो मैं उसकी परफॉर्मेंस को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जस्ट एक एग्जाम्पल, आई हैड अ कॉल और आई हैड टू रिटर्न बैक टू माई हेड ऑफिस। अब मैं 5 दिन हेड ऑफिस में मौजूद हूँ, इसका मतलब है आई कैन नॉट ऑब्जर्व बेसिकली कि वो एम्प्लॉई सेल्स कॉल्स कर रहा है या नहीं कर रहा, एरियाज को विजिट कर रहा है या नहीं कर रहा। सो ऐसे केस में जो उसका सेल्स वॉल्यूम है उसको मैं यूज कर सकता हूँ एज अ प्रॉक्सी। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि उसकी सेल्स जो है, सेल्स वॉल्यूम इज अ प्रॉक्सी जो कि हमें ये बता सकती है कि उसके बिहेवियर्स अप्रोप्रिएट हैं या नहीं। यानी मेजरेबिलिटी है वो किसके थ्रू हुई, थ्रू अ प्रॉक्सी, कि वो क्या अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स में इन्वॉल्व था या नहीं। इफ ही वाज इन्वॉल्व्ड इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स तो फिर उसकी सेल्स वॉल्यूम भी बेहतर हो सकती है। सो यहां तक रखते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर में बेसिकली हमने बात स्टार्ट की कि परफॉर्मेंस क्या होती है। यहाँ पे हमने दो चीजें देखी, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को देखा विच इंक्लूड्स बिहेवियर्स एज वेल एज रिजल्ट्स। फिर हमने परफॉर्मेंस की बात की कि परफॉर्मेंस रिजल्ट से रिलेट नहीं करती, इट इज रिलेट विद द बिहेवियर्स, और बिहेवियर्स बेसिकली क्या है, दैट इज वॉट एन एम्प्लॉय एक्चुअली डू। फिर परफॉर्मेंस की डेफिनेशन की बात आई तो उसी को हमने कहा कि परफॉर्मेंस इज नॉट द रिजल्ट्स और आउटकम्स और वॉट एम्प्लॉय प्रोड्यूसेस। और बिहेवियर्स के हमने दो करेक्टरिस्टिक्स देखे, उसको हमने कहा कि बिहेवियर्स जो हैं वो क्या है, इवैल्यूएटिव्स भी होते हैं और मल्टी डायमेंशनल। इवैल्यूएटिव से क्या मुराद, कि इसको हम जज कर सकते हैं, और मल्टी डायमेंशनल से मुराद हमने यह क्या लिया कि देर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर्स विच कैन बी अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू गेट द आउटकम्स। सो बिहेवियर्स आर नॉट ऑलवेज ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल, और उसकी भी हमने एक एग्जाम्पल ली। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरीज तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी डेफिनेटली लव टू आंसर योर questions. Thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.